नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम राम नरेश त्रिपाठी और उसके साथ साथ सुमित्रा कुमारी चौहान की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लेकर आए हैं। चलिए पहले राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं को कवर करते हैं, उसके बाद चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को कवर करते हैं। बात करें स्टूडेंट्स राम नरेश त्रिपाठी की, तो राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएँ पथिक है, मिलन है, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत और कविता कौमुदी। फिर से एक बार देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएँ पथिक है स्टूडेंट्स, मिलन भी किसकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, स्वप्न किसकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, मानसी भी किसकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, ग्राम्य गीत भी राम नरेश त्रिपाठी की और कविता कौमुदी भी राम नरेश त्रिपाठी की एक प्रसिद्ध रचना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इनकी दो ही सिर्फ प्रमुख रचनाएँ हैं। कौन कौन सी? एक तो है मुकुल और दूसरी है त्रिधारा। कौन कौन सी? सुभद्रा कुमारी चौहान की दो प्रमुख रचनाएं मुकुल और त्रिधारा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।